हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना भी मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। यहाँ पे दो रिसेंटली न्यू पोस्ट जो कि पोस्ट हुआ है उसके बारे में। तो फर्स्ट पोस्ट जो है मल्टीपर्पज असिस्टेंट, जिसका पोस्ट है 326, और सेकेंड पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट, जिसका 180 पोस्ट निकला हुआ है। इसके लिए आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज के लिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले इसका जो ऑफिशियल है, जो नोटिफिकेशन है, जॉब के नोटिफिकेशन है, मैं उसका डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ही मैं बात करूँगा कि ये इसका डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे उसका जो डिटेल पीडीएफ फाइल है, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आपको क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना 800004। ऑनलाइन के जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुरू हो गया है 26 आज से शुरू होगा, 26 नवंबर, सॉरी अक्टूबर 2018 से शुरू होगा, 22 नवंबर 2018 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। पेटीएम पेमेंट और फीस जो कि है, यहाँ पे लास्ट डेट भी सेम रहेगा आपको 22 नवंबर 2018 तक, और एग्ज़ाम जो होगा इसका दिसंबर या जनवरी में बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 297 इसका जो वैकेंसी है पोस्ट टोटल। इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना आपको मैंडेटोरी है। आप कोई भी स्ट्रीम से अगर कंप्लीट कर चुका आपका ग्रेजुएशन, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन में जाके आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको टाइप करना होगा, brbank.bih.nic.in। इस वेबसाइट में आपको जाके आपको अप्लाई करना होगा। एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे 400 रुपीज़ प्लस GST फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 600 रुपीज़ प्लस GST फॉर अदर कैंडिडेट। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगा इसका और क्या डिटेल्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया है, उसके बाद आपका सैलरी जो रहेगा 11,000 से शुरू होगा, 31,000 तक आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी एज फॉलो, अ ग्रेजुएशन डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन एसेंशियल, अ बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, आपके ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपका बेसिक जो कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है तो आपको ये एक एडवांटेज हो सकते हैं। उसके बाद बात करूँगा एज लिमिट के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 ईयर्स से शुरू होगा जो कि एज, उसके साथ साथ 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 ईयर्स के जो एक्सटेंडेड मिलेगा, उसके साथ साथ जो कि SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए आएगा, और 10 ईयर्स जो कि फिजिकल हैंडीकैप है। उसके बाद बात कर लेता हूँ, अगर आप इस पोस्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको जो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका क्वेश्चन रहेगा आपको 30 मार्क्स हिंदी में, इसके इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका टाइम आवर्स जो रहेगा आपका 1 आवर के। उसके बाद रीजनिंग, जिसका क्वेश्चन रहेगा 35, हिंदी और इंग्लिश में इसका क्वेश्चन होगा, टाइम भी सेम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम जो कि क्वेश्चन होगा 35, और इंग्लिश और हिंदी में आपका इसका जो क्वेश्चन होगा टाइम सेम रहेगा। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसका जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग, जिसका 40 क्वेश्चन रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, और 2 आवर्स के एग्ज़ाम होगा।
इसके साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी सेम आपको 40 मार्क्स के जो कि आपका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब का एग्ज़ाम सब्जेक्ट के लिए आपको 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। हिंदी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन होगा और जो कि टाइम रहेगा 2 आवर्स। टोटल जो आपका मार्क्स होगा यहाँ पे एग्ज़ाम 200 मार्क्स के, उसके जो टाइम रहेगा 2 आवर्स। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सबमिट करना होगा जब आप एप्लीकेशन करेंगे। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन जो करना होगा ऑनलाइन में जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट जो है आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि है आपका वो अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आपको आप लोग देख सकते हैं आपका फ़ोटो जो रहेगा 4.5 सेमी x 3.5 सेमी सिग्नेचर, वहाँ उसके बाद आपको देना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में आपको कर देना होगा। तो इस तरह से जो कि आपको एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा इस जॉब के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन करने के वक्त, आप लोग मेरे को कमेंट करके या मेरे ऑफिशियल पेज जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप लोग वहाँ से जाके भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका डिटेल्स मैं दे दूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलें मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।